आज फिर से हम बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाएंगे। यस, बच्चों के लिए इसलिए कि हर एक माँ के लिए लाइफ का फोकस कौन होता है? बच्चा होता है। एंड दूसरा फोकस होता है कुकिंग होता है। तीसरा फोकस होता है बच्चे को रेसिपी से, खाने से कैसे खुश रखे, है ना? तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, ऐसी रेसिपी बनाएंगे। एज वी नो, बच्चों को रैप, फ्रेंकी, ये सब अट्रैक्ट करता है। लेकिन फ्रेंकी या रैप जो बाहर मिलता है, जिसमें फुल ऑफ मैदा, आलू, ऑयल, कैचअप, चीज़, ये सब चीज़ें नहीं देनी है। तो इसके लिए फोर्टिफिकेशन ऑफ रैप या तो फ्रेंकी कैसे करेंगे, ये देखते हैं। तो शुरू करें रेसिपी। ओके, सबसे पहले हम ले रहे बेसन। एज वी नो, हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन फ्लावर। कोई भी आटा जो यूज़ करते हैं ना अलग अलग, इसमें ये जो है बेसन, दैट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन, फाइबर, आयरन एंड कैल्शियम। तो बच्चों का एक मील हमेशा, आई मीन टू से डेली, एक मील तो बेसन का होना ही चाहिए। तो बेसन ले रहे हैं। अभी बेसन में हम डालेंगे थोड़ा सा दही, मोर कैल्शियम, उसके साथ एज पर टेस्ट चिली, बच्चों को खाना है तो उसके हिसाब से डालेंगे, जिंजर फॉर डाइजेशन। फोर्टिफिकेशन जरूरी है तो चॉप टमेटो 2 टेबलस्पून, कैप्सिकम 2 टेबलस्पून, ऑनियन 2 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ये जो मैं बना रही हूँ दैट इज चिल्ला बैटर। यस, आप बोलोगे कि रैप में चिल्ला कहाँ से आया, लेट्स सी। पानी ऐड करेंगे फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ बैटर। बैटर को थोड़ा रेस्ट देना है, 5-7 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देते हैं, तो साइड में कर ले। रैप के लिए रोटी होनी जरूरी है, यूजुअली मैदे की रोटी होती है, लेकिन हम बनाएंगे व्हीट फ्लावर से। तो गेहूं का आटा ले रहे हैं, 1 कप ऑफ फ्लावर, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा मॉइस्निंग, 1 टीस्पून जितना। अब ले रहे फोर्टिफिकेशन अगेन, दैट इज स्पिनच प्योरी। स्पिनच को ब्लांच करके क्रश कर लिया है, दैट इज स्पिनच प्योरी। एंड अब इसका डो बनाना है। पहले हाथ से सब मिक्स कर लो एंड ऐड वाटर। सेम वे यू कैन यूज बीट प्योरी ऑल्सो, कैरेट प्योरी, देन स्वीट पोटैटो प्योरी, कोई भी यूज कर सकते हो। I mean to say, it would give color also and the fortification. जिसमें spinach is the powerhouse of nutrition. बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए भी अच्छी है। तो पालक जब तक सीजन में मिलती है, कैसे भी उसका यूज़ करना चाहिए, right? तो अब ये जो आटा हमने गूंदा है, इसमें spinach प्यूरी है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन एंड ऑन टॉप इज एंटीऑक्सीडेंट। आटा भी रेडी है, यानी कि डो इज ऑल्सो रेडी। तो आगे का प्रोसेस करते हैं अभी। तो रैप के लिए रोटी यानी कि टॉर्टिया बनाएंगे। ये जो आटा गूंदा है हमने, उसी से बनाना है। हल्का सा ड्राई फ्लावर लेके रोल करेंगे। इसमें मिनी भी बना सकते हो आप एंड रेगुलर साइज भी बना सकते हो। मीडियम थिक रोटी बनानी है। अब इसे रोस्ट करना है, ड्राई रोस्टिंग ही करना है, नो ऑयल। सेम वे दूसरी रोटी भी रोल कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, आगे का जो प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट।
अभी ये रोटी को साइड में रखते हैं। ये जो बैटर बनाया है हमने बेसन का, उसका यूज़ करना है। इसमें एट लास्ट हम डालेंगे पिंच ऑफ सोडा, क्योंकि बेसन है। एंड व्हाट वी विल डू, इसी रोटी के ऊपर चिल्ला बनाएंगे। अब बेसन को कुक करने के लिए ऑयल लेना जरूरी है, इसको फ्लिप करना है, साइड से थोड़ा सा ऑयल डीजल करेंगे, बैक साइड भी थोड़ा ऑयल डीजल कर देंगे। सी, फैट यानी कि ऑयल का भी एक इम्पॉर्टेंस है। कोई भी चीज़ को कुक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ऑयल यानी कि फैट यूज़ करनी ज़रूरी होती है, इन मॉडरेट प्रपोर्शन। अभी इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। सेम वे दूसरी रोटी भी रोस्ट करेंगे, उसी के ऊपर भी चिल्ला बनाएंगे एंड सेम वे कुक करके निकालेंगे। स्पिनेच टॉर्टिया के ऊपर बेसन चिल्ला जिसमें वेजिटेबल भी है, तो एज पर मी इट इज़ कम्प्लीटली फोर्टिफाइड रेड। अब इसको रोल करेंगे। इफ़ यू विश, अगर बच्चों को पनीर देना है, चीज़ देना है, तो यू कैन स्प्रिंकल इनसाइड ऑल्सो। मुझे नहीं देना है। अब इसको आप छोटे पीसेस में भी कर सकते हो और बड़े वाले पीस में भी कर सकते हो, जैसे भी करना है। कभी कभी राउंडेल्स करके भी आप सर्व कर सकते हो, बट राइट नाउ आई एम कटिंग इट इनटू टू पीसेस ओनली। सेम वे इसको भी रोल कर लेते हैं। सी, दिस इज समथिंग लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑल्सो चलेगा, बैक टू स्कूल भी चलेगा, एक्टिविटी में जाने का टाइम है, हाथ में पकड़ा दिया, कार में जाने के टाइम पे दे कैन हैव इट। अब सर्व करते हैं।